तो भाई ये जो इशू होता है ना, लेकिन भाई ये हम लोग प्रॉपर इसका वही रिपेयरिंग करा रहे हैं, जैसे कि ये खुल के भाई बिल्कुल अब ये ओके हो चुकी, बस ये जो इसके जो पार्ट्स रखे ना बस भाई वो इसमें इंस्टॉल होने, और भाई ये हो जाएगी हम लोग के पास रेडी टू यूज़। अब यहाँ से दिखाता हूँ, सबसे मेन बात आती है इसके भाई मॉनिटर से। अब मॉनिटर जैसे कि मैंने इसको भाई चालू किया, अब यहाँ पे लिख के आता है ये वेलकम। तो इस वेलकम के बाद भाई जो इसकी प्रोसेस होती है ना वो होती है भाई। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ सुजल और आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो भाई आज की शुरुआत हुई है भाई अपनी जिम से, जैसे कि भाई देख सकते हैं। और भाई आज की वीडियो अपनी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल मतलब जो आदमी सोच नहीं सकता ना कि भाई हम लोग डेली जिम करते हैं, डेली भाई वर्कआउट करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को भाई हिट करते हैं, तो लोग बाग या फिर लोगों के मित दिमाग में भाई मिथ ये रहता कि एक बार जो हम लोग जिम लगा लेते हैं ना तो भाई उसमें कोई कमी ही नहीं आती भाई, वो सालों साल ऐसे ही चलता रहता है और भाई हम लोगों की पॉकेट भरती रहती है जिम की मनी से। तो ऐसा नहीं होता है, तो भाई आज की वीडियो अपनी उसी के ऊपर होने वाली है। आज मैं भाई बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों की भाई जिम में जो मशीन्स लगी है ना भाई, वो किस तरीके से कौन सी मशीन भाई ख़राब हो सकती है, या फिर भाई कौन कौन सी मशीन किस तरीके से ख़राब हुई थी, हम लोगों ने भाई रिपेयर कराई थी। तो सो भाई आज की वीडियो अपनी उसके ऊपर होने वाली है, तो भाई बिना टाइम का वीडियो को चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई उसके लिए जो सबसे पहले जो मशीन आती है वो आती है हम लोगों के पास भाई स्टीयर क्लिम्बर मशीन, जैसे कि भाई देख सकते हो कॉस्को फिटनेस यहाँ पे भाई बैजिंग दी हुई है। तो भाई इस मशीन में भाई डिफेक्ट और भाई कैसे ये खराब हो जाती है ना मशीन, आप लोगों को भाई सोच के बहुत बेकार सा लगेगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस मशीन जो लोग सोचते हैं ना कि भाई एक बार जो तो भाई जो लोग सोचते हैं ना कि भाई एक बार मशीन लगा दी है ना तो भाई वो ऐसे ही सालों साल चलती रहेगी, उसको भाई पावर इलेक्ट्रिसिटी भाई देते रहो जो भी है उसको नीड, और भाई वो ऐसे चलती है। लेकिन भाई वो कभी कभी ना वो भाई उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है और भाई वो कभी कभी खराब भी हो जाती है। तो खराब वो कैसे हो सकती वो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये वाली देखो ना बिल्कुल प्रॉपर रखी है, जैसे कि सारी चीजें वर्किंग है इसमें ना। तो अब यहाँ से दिखाता हूँ, सबसे मेन बात आती है इसके भाई मॉनिटर से। अब मॉनिटर जैसे कि मैंने इसको भाई चालू किया, अब यहाँ पे लिख के आता है ये वेलकम। तो इस वेलकम के बाद भाई जो इसकी प्रोसेस होती है ना वो होती है भाई, इसको एक बार दोबारा से दबाओगे ना तब 3 2 1 और भाई ये स्टार्ट होना चालू हो जाता है। जैसे कि इस यहाँ पे भाई इसको टाइम देगा, टाइम आता है, और यहाँ पे कैलोरीज, यहाँ पे पल्स, इसको रिसेट करने का ऑप्शन यहाँ से आता है, और इसके बाद भाई जो प्रोमोड होता है वो यहाँ से होता है। जैसे कि यहाँ पे अभी वेलकम, और भाई ये थोड़ा सा ना आपको भाई कौन सी स्पीड में है ना तो उस हिसाब से दिखाने के लिए भाई ये ऐसी लाइटिंग भी दी हुई है। तो इसको भाई मैं दोबारा से इसको भाई मैं प्रेस करता हूँ ना तो यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट होती है, और भाई देखो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है। इसमें भाई ये डिफेक्ट आ ही गया है, क्योंकि एक दो दिन से पहले ही भाई बहुत बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही थी ना, लेकिन अब भाई इसमें जो एक डिफेक्ट आया, जैसे कि मैं इसको दोबारा से आपके लिए चालू करता हूँ ना तो ये देखिए। अब देखो भाई पहले बिल्कुल सब कुछ चालू होता है, अब देखो रेडी पोजिशन में आ जाती है, ऐसे दबाओगे ना इसको, अब देखो सारा को न्यूट्रल हुआ। अब देखो तो भाई जो इस वाली मशीन में जो भाई डिफेक्ट आया ना, अब तो भाई वो जो मशीन भाई जो रिपेयर करने वाले हैं वही बता पाएंगे कि भाई इसमें ऐसा डिफेक्ट आया क्यों, या तो भाई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुछ हुआ, तो भाई कुछ ना कुछ फॉल्ट तो होना चाहिए। लेकिन उसमें भाई वो चलती है और फिर वो न्यूट्रल हो जाती है। तो भाई उसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं भाई अपनी दूसरी मशीन की ओर। सो भाई जो सेकंड एक्सरसाइज जो हम लोगों के पास जो आती है ना वो आती है भाई ये थाई को ट्रेन करने वाली है। अब भाई इसमें क्या खराब हो सकता है भाई, देखो बिल्कुल अब ये सब तो भाई देखो अगर यूजेबल चीजें हैं तो भाई ये सब तो होता ही रहता है, तो इसमें भाई खराब वाली होने वाली क्या चीज है। तो खराब होने वाली चीज है जैसे कि भाई अगर इसमें दूसरे का होल्डर निकाल लूं शायद, तो हाँ सो अगर भाई इसमें अगर आप लोग दूसरे का होल्डर लगा के अगर इसमें लगाओगे ना, और भाई आप लोग करना चालू करोगे जैसे कि मैं भाई यहां से फोर्स लगाना चालू, जैसे ऐसी होती ना तो इस ये पूरी बैग हो जाएगी ना। लेकिन मैंने जितना भी वेट लगाया था ना भाई, वेट वाली प्लेट्स एट प्रॉपर जहां पे भाई रखी होती है ना बिल्कुल अपनी प्रॉपर जगह पे ही रहेंगी भाई, बिल्कुल मूवमेंट है ही नहीं, देखो बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट है।
तो भाई इस वाली मशीन में मैंने बता दिया ना कि भाई क्या ही कर, जैसे कि मैं यहाँ से करता हूँ ना, यहाँ से ऐसे फोर्स दिया, ये पीछे गई, और पीछे के बाद देखो भाई बिल्कुल मूवमेंट। सो भाई हम लोगों के पास जो दूसरा इशू जो आता है वो आता है भाई ये ट्रेडमिल से रिलेटेड। जैसे कि भाई ये हम लोगों के पास 5 ट्रेडमिल रखी हुई हैं, और भाई लास्ट में वो स्टेयर क्लाइंबर वाली मशीन है। तो ट्रेडमिल में क्या इशू आता है भाई, ये जब ट्रेडमिल बहुत टाइम हो जाता है ना भाई यूज़ करते करते, तो इसमें क्या होता है कि भाई ये बीच में लैग करने लगती है। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पीड कर रहे हो तो भाई ये बीच बीच में लैग होगी। तो लैग से प्रॉब्लम क्या है भाई, आप लोग जब इतनी ज़्यादा स्पीड में होते हो ना, और एट इंस्टेंट आपको भाई अगर कोई रोके ना, फिर रोके फिर चला दे, फिर रोके फिर चला दे, तो भाई ऐसे फ्लिकरिंग टाइप में होने लगती है। तो भाई ये जो इशू होता है ना, लेकिन भाई ये हम लोग प्रॉपर इसका भाई रिपेयरिंग करा रहे हैं। जैसे कि ये खुल के भाई बिल्कुल अब ये ओके हो चुकी, बस ये जो इसके जो पार्ट्स रखे ना बस भाई वो इसमें इंस्टॉल होने, और भाई ये हो जाएगी हम लोगों के पास रेडी टू यूज़। तो भाई कैसी लगी वीडियो, और भाई जो कमियां होती हैं तो भाई कमियां बताने में कोई ऐसा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बताऊँ ना तो भाई मेरी जिम की मशीन है, अगर मैं बता दूंगा तो भाई कोई प्रॉब्लम हुई तो भाई प्रॉब्लम क्या है भाई, जो कमी है वो मैंने बता दिया है। तो भाई कमी के साथ साथ हम लोग भाई दिन पर दिन भाई रिपेयरिंग भी करा रहे हैं। भाई एक दो कमी और हैं जो कि भाई हम लोग दूसरी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए भाई कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।